हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन शर्मा। आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइसेप, के बाइसेप का साइज, डेफिनेशन और जो भी बात है कंप्लीट करेंगे अपन बाइसेप के बारे में, कि बाइसेप की ग्रोथ क्यों नहीं होती, बाइसेप का साइज क्यों नहीं बढ़ता और डेफिनेशन क्यों लैक करती है। ये सारा आज टॉपिक कवर करेंगे इसमें, कि क्या गलती हम करते हैं जो नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो करनी चाहिए जो हम नहीं करते हैं बाइसेप के ड्यूरिंग वर्कआउट। तो आज ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो पहले पॉइंट की अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती हैं जो भी हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे टिप्स की, कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है और क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं इस पर टोटल। तो पहली अगर यहाँ पे बात करें तो पहला पॉइंट है कि बारबेल को पूरे लोड कर लेना और जब तक टिल वो बेंड नहीं हो जाए तब तक उसको उठाना। क्या आपको लगता है मैं ये बोलने वाला हूँ? ऑफ कोर्स नॉट ब्रदर। मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ कि जितना वेट आप कंफर्टेबली उठा सको, 12 टू 15 रैप्स, सिर्फ उतना ही वेट आपको बारबेल पे लोड करना है। जो आइडल रैप्स हैं 12 से 15 रैप्स, जितना आप लिफ्ट कर सको 12 से 15 लिफ्ट में कंफर्टेबली लिफ्ट कर सको विद राइट पोस्चर, सही पोस्चर के साथ आप जितना वेट लिफ्ट कर सको उतना ही वेट आपको बारबेल पर लोड करना है। ज़्यादा वेट आपको नहीं लगाना है, ऐसा वेट आपको नहीं लगाना है जिसमें आपका पोस्चर ख़राब हो और रॉड तो बेंड हो ही रही है, आप भी उठाते टाइम उसको लिफ्ट करते टाइम बेंड हो जाओ बिल्कुल, ऐसा आपको नहीं करना है। आइडल रैप 12 से 15, आइडल वेट जितना आप 12 से 15 रैप में परफॉर्म कर सको। और ये जो वर्कआउट है मैं बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए बता रहा हूँ, जो जिन्होंने अभी वर्कआउट स्टार्ट किया है और जो इंटरमीडिएट है जिनको 3-4-5 महीने वर्कआउट करते हुए हो गए हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा ये है। सो सेकेंड पॉइंट इज हाउ मच ट्रेन, बाइसेप को ट्रेन कितना करना है। तो मैं एक आइडल आपको बताऊँ तो आपको 25 से 30 मिनट पर वीक ट्रेन करना चाहिए। ये मैं पर वीक बता रहा हूँ, जिसमें 2 सेशन आपके हो जाएंगे ट्वाइस अ वीक, 15-15 मिनट के या 20-20 मिनट के 2 सेशन आप मैक्सिमम ले सकते हो। और ये मैं इंटेंस वर्कआउट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि 10 मिनट का ब्रेक ले लिया बीच में, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ 25 से 30 सेकेंड के गैप के साथ इंटेंस वर्कआउट आप करते हो तो 2 सेशन 15-20 मिनट के पर वीक आपके काफ़ी हैं। क्योंकि अगर उसको रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा तो बाइसेप ग्रोथ नहीं करेगा। ज़्यादा ट्रेन करने से ज़्यादा बाइसेप ग्रोथ नहीं होता, उसको प्रॉपर रिकवरी टाइम चाहिए। आप उतना ही ट्रेन करो जितना आप उसको रिकवरी दे पाओ, जितना आप प्रॉपर नींद ले पाओ। ओके, सो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है कि ट्रेन योर कंप्लीट आर्म। कंप्लीट आर्म से मेरा मतलब है कि फोरआर्म्स और ट्राइसेप, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि बाइसेप। ट्राइसेप बड़ा मसल्स है बाइसेप से, और जब तक आप ट्राइसेप को ट्रेन नहीं करोगे आपका ट्राइसेप अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका आर्म्स कम्प्लीटली सिमेट्रिकल नहीं दिख सकता, अच्छा नहीं दिख सकता। सो आपको फोरआर्म्स और ट्राइसेप को भी बराबर से ट्रेन करना है एक अच्छे आर्म्स के लिए। सो डोंट नेग्लेक्ट योर फोरआर्म मसल्स एंड योर ट्राइसेप मसल्स, ट्रेन योर कंप्लीट आर्म्स। ये थर्ड पॉइंट है। आप बाइसेप ही बाइसेप लगे रहते हो बट एक अकेले बाइसेप से कंप्लीट आर्म आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपको पूरा कंप्लीट आर्म ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, जिसमें फोरआर्म्स, ट्राइसेप और बाइसेप कंप्लीट ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। और जो फोर्थ टिप्स है वो ये है कि जब भी आप वेट को लिफ्ट करते हो, है ना, जब वेट ऊपर जाता है और जब आप उसको ड्रॉप करते हो नीचे की तरफ, जब जो रिवर्स रैप होती है उसमें वेट को एकदम से नहीं छोड़ना है, है ना, जैसे वेट ऊपर लिफ्ट किया और एकदम से नहीं छोड़ना है, उसको भी उतना ही बैलेंस से छोड़ना है जितना बैलेंस से उसको ऊपर उठाया है। बिल्कुल स्लोअर डाउन आना चाहिए, आपका जो मोशन है वो आपके कंट्रोल्ड रहना चाहिए, एकदम से वेट को ड्रॉप नहीं करना है बाइसेप में, और फुल रेंज ऑफ मोशन करना है हमेशा हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन। जो रैप है वो कंप्लीट रैप लगाना है, हाफ रैप कभी नहीं लगाना है। जैसे अपन अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट रैप अपने को लगाना है, हाफ रैप नहीं, ये हाफ रैप है, हाफ रैप नहीं, ये कंप्लीट रैप अपने को लगाना है, कंप्लीट रैप। तो फुल रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना है। और जब भी आप नीचे लेके आओगे, जब नीचे लेके आओगे बारबेल हो या डंबल हो जिसको नीचे लेके आओगे, तो एकदम स्लो डाउन, बिल्कुल स्लो डाउन, अब बिल्कुल स्लो डाउन, एकदम से स्लो डाउन लेके आना है।
ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत सारे जो लोग हैं वो नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को, कि उनका जो ध्यान है वो मैक्सिमम ऊपर लिफ्ट करते टाइम तो पूरा जोर उनका रहता है, लेकिन नीचे उसको ऐसे पटक देते हैं जैसे इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके गाइस, सो बात करूँ मैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग के बाद जो मेन रोल है वो है आपकी डाइट का, और प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर हाइड्रेशन। दिन में खूब सारा पानी, प्रॉपर रेस्ट और पूरी कंप्लीट डाइट, कार्ब्स और प्रोटीन इंटेक आपका पूरा होना चाहिए। जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना कार्ब और उतना ही प्रोटीन, प्रॉपर रेस्ट। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप कितना भी ट्रेनिंग करो उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। सो मैंने पहले भी कहा था कि उतना ही ट्रेन करो जितना आप रिकवरी उसकी कर पाओ। ओके, सो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेट बॉडी को रखना है। सो ये कुछ पॉइंट थे हमारे। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे बाइसेप बिल्ड करने में। थैंक यू सो मच।